घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर। नेक्स्ट कंटेस्टेंट आ जाइए। हाय सर। हाय। नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद फजर है। कहाँ से हो आप सर? जी हम पाली राजस्थान से आए हैं, बहुत ही दूर से आए हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? सर अब मैं काम के बारे में क्या बताऊं सर? सर घर में सर एक बूढ़ी माँ है सर। सर मैं मेरी माँ की सेवा करता हूँ सर, दिन रात मेरी माँ बीमार रहती है सर, मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, मेरी माँ सुबह से लेकर शाम तक रोती रहती है सर, और सर मैं सारा दिन टेंशन करता हूँ सर ताकि मेरी माँ ठीक हो जाए सर, लेकिन ठीक नहीं हो रही है सर, मैं क्या बताऊँ सर, मैं मजदूरी में भी जाता हूँ सर, कमटे का काम करता हूँ, वहाँ पे 200 रुपये कमाता हूँ सर, और सर दूसरे दिन काम नहीं मिलता है सर, क्योंकि जब मैं वहाँ पे वापस काम पर जाता हूँ तो सर दूसरा आदमी लग जाता है सर, फिर मेरे को नहीं लगाता है सर, 200 देता है तो सर वो 100 रुपये में ही लग जाता है, जिसलिए सर मेरी छुट्टी हो जाती है सर, हर जगह कहीं भी जाता हूँ तो सर इसी तरह हो रहा है सर, कहीं पे 300 रुपये मिलते हैं तो दूसरे दिन कोई दूसरा आके लग जाता है, वो 200 रुपये में कर लेता है सर, मजदूरी मिलती नहीं है सर, किस तरीके से मैं घर चलाऊँगा सर, समझ में नहीं आ रहा है सर, घर में बूढ़ी माँ है, एक छोटा सा बच्चा है सर मेरा, उसको भी मैं खाना खिलाता हूँ, पढ़ाता भी हूँ सर उसे, ताकि सर वो पढ़ लेगा तो सर उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी तो सर मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी सर, इसलिए सर मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ सर। आप यहाँ क्या करने आए हैं? मैं आज इंडल आइडल इसलिए आया हूँ सर, ताकि मैं भी सर गाना गा सकूं और मेरा गाना वायरल हो जाए, तो सर मैं मेरी माँ के आंसू पूछ सकूं सर, इसलिए सर मैं इंडल आइडल आया हूँ सर, और मैं सर आप सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर, मेरे को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर। आपकी परफॉर्मेंस में हर वो कठिनाई सुनाई दी जिसने आपको ताकत दी है, आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसा ऐसी हिम्मत होती। थैंक यू सर, थैंक यू। और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुना रहे हो? सर मैं आज गाना मेरी माँ के लिए गाना चाहता हूँ सर। अरे वाह, किशोर दा का गाना। या घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, प्रत्येक घर तिरंगा।
है नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है गर्व है इस तिरंगे पर सारे जहां को ये दिखाएंगे अमृत काल मनाएंगे घर घर तिरंगा लहराएंगे घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा तिंटा चंदा बने बने गु त्रिवर्णा रंग सत्य का ये शेत रंग शांति का है ये शेत रंग एके का है ये रंग देश के दिल में है बसा रंग हरा तो खुशहाली का है ये धर्म चक्र विकास का इन्हीं उसूलों से है ये बना तिरंगा हमारा तिरंगा प्यारा आपकी परफॉर्मेंस ने मुझे बहुत अजीब से जगह में डाल दिया है लिटरली मेरा भेजा फट गया आपको सुन के आई हैव नेवर हर्ड एनीवन सिंग नुसरत साहब लाइक दैट इट्स माइंड ब्लोइंग लेकिन मुझे मैंने आपका गाया हुआ हर एक सुर नुसरत साहब का है नुसरत साहब के भक्त हम सब हैं मैंने ये गाना 10 लाख बार बार शायद सुना होगा और अगर मैं कोशिश करूँ इस गाने को याद करने को इस तरह जैसे आपने किया है हर मुर्की हर एक्सप्रेशन आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा जिंदगी भर भी नहीं कर पाऊंगा ये संगीत कहाँ सीखा कैसे सीखा कौन सी गलियों में क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है क्या सादगी है क्या मासूमियत है कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी और मेरा दावा है कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज इसका मतलब पता है क्या है सनी तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.